लालकुआ पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। आपको बता दें, थाना पुलिस ने झपट्टा मारने वाले इनामी लुटेरे को महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ दर्ज मुकदमे के अंतर्गत कार्रवाई कर उसे जेल भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक वीआईपी गेट बंगाली कॉलोनी लालकुआ निवासी संजय कुमार के हाथ से 9 अक्टूबर 2021 को बाइक सवार बदमाश ने 4000 की नकदी और मोबाइल फोन लूट लिया था। इस मामले में पुलिस ने इंदिरानगर द्वितीय बिंदु खत्ता निवासी आरोपी अजय आर्या और अभिषेक उपाध्याय उर्फ शूटर को गिरफ्तार कर माल भी बरामद कर लिया था, जबकि एक अन्य आरोपी रावत नगर द्वितीय बिंदु खत्ता निवासी दीपक रावत उर्फ दीपू काफी दिनों से फरार चल रहा था, जो पुलिस के हत्थे न चढ़ने पर एसएसपी द्वारा उस पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। और इसी कड़ी में लालकुआ पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को महाराष्ट्र के पुणे स्थित एक रेस्टोरेंट से गिरफ्तार किया है और अब पुलिस ने उसके खिलाफ दर्ज मामले में कार्रवाई कर उसे जेल भी भेज दिया है।